कारी साहब, वितर पढ़ने के कितने तरीके हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अहले हदीस मस्जिदों में दो तरीके से पढ़ी जाती है, और कौन सा ज़्यादा अफजल है, ज़रा ये बता दीजिए। वितर का देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप दो रकत पढ़ के सलाम दें और एक रकत अलग से पढ़ें। दो रकत पढ़ के बैठें, अत्तहियात बैठें, सलाम फेर दें और फिर अलग से एक रकत पढ़ें। इस तरह तीन वितर, एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि एक ही सलाम से आप तीन वितर पढ़ें, लेकिन बीच में कादा ना करें, अत्तहियात ना बैठें दूसरी रकत पे, पहली रकत पढ़ के खड़े हो जाएं, दूसरी रकत पढ़ के खड़े हो जाएं, तीसरी रकत पढ़ के भी आप खड़े हो जाएं, तीसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएं, और फिर जब आप सूरह इखलास, अल्लाह के रसूल तीन रकतों में, पहली में सब्बे इस्मा रब्बी का लाला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते, और पढ़ने के बाद आप दुआए कनूत उसी तरह जिस तरह हाथ बांधे बांधे आप कुल हुवल्लाह आपने पढ़े हैं, उसी तरह अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये दुआए कनूत, सॉरी अल्लाहुम्मा हदनी फ़ी मन हदैत व आफ़नी फ़ी मन आफ़ैत, ये दुआ आप उसमें पढ़े, या जो हनफियों ने याद कराई हुई है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका, लेकिन उसमें कुछ थोड़े बहुत इजाफे भी हैं। दर हकीकत वो असल में वो कुनूत नाजला है, तो बहरहाल वो भी अगर पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं, तो फिर वो रुकू को जाए, फिर सजदे जाए, फिर सलाम फिर दे। दूसरा ये तरीका है। ये जो एक तरीका है रुकू से पहले दुआ पढ़ने का, और एक तरीका है रुकू के बाद दुआ पढ़ने। रुकू के बाद अल्लाह के रसूल अक्सर कुनूत नाजला पढ़ा करते थे, वितर आप रुकू से पहले ही दुआ मांगा करते थे। फिर उसमें जो हमारी बाज़ अहले हदीस मसाजिद में हाथ उठाना भी कुछ, वैसे मेरा ख्याल है आजकल कुछ ख़त्म हो गया है, पहले बहुत होता था, हाथ उठा के कुनूत नाजला में हाथ उठाना साबित है, जो रुकू के बाद पढ़ी जाती है, और उसमें बहुत लंबी चौड़ी दुआएं हैं। किसी ज़माने में तो कश्मीर भी उसमें आता था, फ़लस्तीन आता था, बूसीनिया, चीचीनिया, अब खैर वो सारे ख़त्म हो गए, चीचीनिया भी ख़त्म हो गया, चीचीनिया वाले भी ख़त्म हो गए। अब ये है कि मुख्तसर दुआ, लेकिन अगर रुकू के बाद आप पढ़ते हैं तो जिस तरह हाथ लटके हुए हैं उसी तरह लटके रहें, और अगर पहले पढ़ते हैं तो जिस तरह बंधे हुए हैं उसी तरह बंधे रहें। अलग से हाथ उठाना नाजला में साबित है, वितरू में साबित नहीं। कुनूत नाजला तो फ़र्द नमाजों में भी पढ़ी जाती है, आखिरी रकत के अंदर आप रुकू के बाद, हालात अगर ऐसे हों, हालात ख़राब हों, कोई कर्फ्यू का माहौल हो, कोई अजाब हो, कोई मुसीबत हो, कोई इस तरह की परेशानी हो, तब वो पढ़ी जाती है, तो उसके लिए हाथ उठाने साबित हैं, वितरों के लिए हाथ उठाने साबित नहीं है। जी।